बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर उसको रख देते हैं। उसका नाम गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा लो किसी भी प्रदोष, और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा।